नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे वेट्ट वरसई। ये सिलंबम में जो नियुद्ध कलाएं हैं, इसमें किसी भी प्रकार का शस्त्र प्रयोग में नहीं लाते, उसमें से बहुत ही प्रमुख विधा जो है वो है वेट्ट वरसई। इसमें हम शक्ति मुद्रा, जो कि एक अंगूठा मोड़ दें अगर हम यहाँ पर हाथ का, तो इसको बोलते हैं शक्ति मुद्रा। बाकी सारी उंगलियां बिल्कुल सीधी, और ये शक्ति मुद्रा में करा जाता है। आज के समय में जो हम देखते हैं कि कोई कला वेट इस विधा में शक्ति मुद्रा में करी जा रही है, तो हम उसे संबंधित मानते हैं शाओलिन की कुछ कलाओं से, जैसे कराटे। परंतु अगर हम मूल में देखेंगे तो ये जो कराटे और शाओलिन की जितनी भी कलाएं, ये भी भारत के एक राजकुमार, पल्लव वंश के राजकुमार बोधिधर्मा ही ईस्ट में, पूर्व में लेकर गए थे, और वहीं से जितनी भी शाओलिन की कलाएं, कुंग फू और कराटे, ये सारी प्रचलित होती हैं। परंतु हम उसके मूल में भी जा सकते हैं, क्योंकि आज भी वेट्ट वरसई, कुतु वरसई, इडी वरसई, सारी कलाएं आज भी भारत में जीवंत है। तो आज हम देखेंगे वेट्ट वरसई, जो कि शक्ति मुद्रा में करा जाता है, उसका पहला पार्ट। चलिए अब इस एक पार्ट में हम देखेंगे कितना कुछ है, कैसे हम गर्दन में वेट्ट मारते हैं, घूम के कैसे मारते हैं, लात कैसे मारते हैं, सऊ का, तो बहुत कुछ इसमें रहेगा। ये पहला पार्ट हम सीखेंगे तीन भागों में से पहला भाग होगा वेट और लात को रोकने का, दूसरा भाग होगा वेट और घूम के वेट मारना, जो कि प्रारंभ में थोड़ा सा कठिन हो सकता है, इसलिए हमने दूसरे भाग में केवल दो वेट रखे। तीसरे भाग में हम देखेंगे सौक और तोड़ई मानम, दो प्रकार की लातें, एक बिल्कुल सीधी, एक थोड़ी सी अंदर से आती हुई, तो ये हम देखेंगे। और अंत में जो उपसंहार है वो सारे ही पाठों में सामान्य होता है, तो उसको हम अंत में एक रोक की तरह देखेंगे, और अंत भी होगा कुथुनिलय, शुरू भी होगा कुथुनिलय। चलिए प्रारंभ करते हैं कुथुनिलय। ये जो कुथुनिलय है, ये एक प्रकार का स्थान कह सकते हैं, आसन कह सकते हैं। ये सारी ही सिलंबम की जितनी भी नियुद्ध कलाएं हैं, नियुद्ध विधाएं हैं, जैसे अडी वरसई, कुथु वरसई, वेट्ट वरसई। कुथु मतलब जो मुष्टि, सीधे पंच, तो इनकी सारी ही विधाओं में कुथुनिलय। यहां से शुरू करते हैं, पहला कदम लेंगे दाएं पैर को आगे करते हुए, गले में वार करते हुए शक्ति मुद्रा, दोनों हाथ शक्ति मुद्रा, एक, फिर दूसरा, जैसे किसी ने हमें लात मारी या नीचे से कोई भी वार किया तो उसको रोकते हुए दो, पीछे कदम ये दबाए नीचे, अगर किसी ने हमारी लात मारी यहां से तो ये रोके, ठीक है, किसी ने लात मारी रोक, ये मारी है लात और हम रोकते, दो, तीन, फिर दोबारा से गर्दन में यहां पर ऐसे वार कर रहे, तीन और चार। यहां से हम देखेंगे दूसरा भाग, अब हम मारेंगे पहले दायां हाथ वेट वेट, फिर पीछे से घूम के हमारा बायां पैर आएगा दाई तरफ से उल्टा घूमते हुए, और एक वेट के लिए तैयार वेट, ये दोनों ही शक्ति मुद्रा में मार। अब इसके बाद हमारी आएगी लात पीछे से निकल के, इसे बोलते हैं सऊ का, डबल सऊ। पहले ये वाला हाथ जो दायां हाथ है वो हमारी जांघ पे सीधे पड़ेगा, दूसरा जो सामने हाथ है वो आगे, ठीक है, तो डबल चौक ये करते हुए हम पीछे कूदेंगे, इसको नीचे बिना रखे पीछे कूदेगा, ये कूदे और वेट तैयार। फिर उसके बाद जो हम करेंगे तोड़ई मारम, जांग के अंदर अंदर की तरफ एक मारा, और टांग थोड़ी सी अंदर से घूमते हुए आएगी, तो ये इसके बाद आगे रखिए और ऊपर सर पे सी वेट। अब पीछे जाते हुए ब्लॉक, ये रोकेंगे, अगर हमारे कोई ऐसे मारेगा ऊपर से तो हम ऐसे रोक। फिर सारे ही पाठों में एक ही प्रकार से हम अंत करते हैं, यहां से हम एक और ब्लॉक लेते हैं, ये हम आगे एक ब्लॉक, फिर हम दूसरा ब्लॉक, ठीक है, दूसरा, फिर हम आ जाते हैं कुछ निलय में और अंत होता है पूरा पाठ। एक और बार देखते हैं साथ में, कुथु वरसई से शुरू करते हुए आगे बढ़ते हुए वेट रोक, वेट रोक, वेट गर्दन में घूम के एक और वेट, सौक पैर ऊपर रखते हुए पीछे कूदेंगे हल्का सा, वेट तड़ई में, और फिर ऊपर से एक और वेट, पीछे आते हुए रोक, एक और रोक, एक और रोक,
और कुछ होने लगे हैं। देखिए अब दूसरी तरफ से कैसे करना है तो मैं एक संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ, बिल्कुल शुरुआती पहले बताता हूँ कि जैसे हमने देखा पहले हम कुट्टू वरसे में दोनों ही खड़े होंगे एक दूसरे के विपरीत। अभी क्या है, पहला जो वार है, दूसरा जो हमारे सामने है, हमने देखा अभी जो आगे बढ़ते हुए वेट मारता है, तो हम पीछे बढ़ते हुए वेट रोकेंगे तो यहां पर लगेगा, तो ये रोका। अब क्या है, दूसरा हमने जब देखा तो रोक रहा था लात, तो सामने वाले को लात मारनी है, तो जब हम किसी के विपरीत खड़े हैं तो हमें चौका या तुड़ई मारने नहीं करना, हमें सीधे एक लात मार आगे, ठीक है। फिर दोबारा से यहीं पर रोक, जैसे बाएं हाथ से, और फिर वहीं पे लात, ठीक है। ऐसे ही पूरे में आप देखेंगे तो जब दूसरा लात मारा तो सामने वाले को रोकना है, अगर सर पे मार रहा है तो ऐसे रोकना है, ठीक है। तो इसी प्रकार दोनों एक दूसरे के विपरीत पूरा पार्ट हम कर सकते हैं। तो याद रखिए पूरे ही वेट वर्सी में हमें हाथ शक्ति मुद्रा में ही रखना है, और शक्ति मुद्रा की विशेषता क्या है, हमारा हाथ खुला है यहाँ से ढीला है, जैसे ही अंगूठा मुड़ता है वैसे ही हम देखेंगे यहाँ से बिल्कुल एक ठोस बन जाता है और मारने के लिए तैयार हो जाता है, एक शस्त्र की तरह बन जाता है। आशा करता हूँ आपको पहला पार्ट पसंद आएगा वेट वर्सी का। अभ्यास करिए घर में, अकेले भी कर सकते हैं जैसे मैंने करके दिखाया, अकेले अभ्यास का भी बहुत महत्व है, बहुत आपको इसकी गहराइयां पता लगती है, और किसी के विपरीत भी मैंने इंगित करा कि कैसे आप कर सकते हैं तो वो भी करिए। कहीं पर भी संदेह हो, कुछ भी संशय हो, बताइए हमें कमेंट्स में, और भी हम इसके पार्ट डालते रहेंगे। पहले भी हमारे जो गुरु हैं शिवनादन आसन, उन्होंने पहले भी कुछ पार्ट डाले हैं इसी चैनल में, तो जुड़े रहिए इस चैनल से, लाइक करिए और आनंद लीजिए भारतीय संस्कृति का, सिलंबम कलाओं का, नियुद्ध कलाओं का। धन्यवाद।